जो अच्छा होगा आप लोग कमेंट में बताइए। ये हमारा एंट्री किए हैं, ये है हम लोगों का। नमस्ते सर, ये है भी आप लोगों के एक बार पूरा बाहर से दिखा देते हैं। इधर भी लड़के लगाए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, और आपको दिखा रहे हैं इधर भी। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इधर दिखाता हूँ। नमस्ते सर, इधर हैं सिविल वाले भाई लोग हमारे। अरे प्रणाम गुरुवर, ये हमारे सर जी गुलाब यादव सर, हमारे बहुत प्रिय गुरु जी हैं। ये हैं भाई साहब सिविल इंजीनियर, ये है सैग ट्रीटमेंट प्लान। और नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन हाउस। वाओ अमेजिंग यार, ये देखिए ये फैक्ट्री है, इनके फैक्ट्री से धुआं भी निकल रहा है, बहुत अच्छा लाइट वाइट एकदम वाह अमेजिंग। अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारे शुभम भाई का प्रोजेक्ट। और शुभम भाई क्या हाल है? हेलो, नहीं सुन रहे हैं भाई साहब, बिजी हैं, कुछ बातें सुन रहे हैं। ये क्या है इनका प्रोजेक्ट नेम है हाइड्रोलिक ब्रिज। अच्छा, ये यहाँ पे उठेगा और पीछे जो बोर्ड दिख रही है वो बोर्ड क्रॉस करेगी। क्या बात है, क्या बात है, ये हमारा। और शुभम भैया का हाल है? और नेक्स्ट आता है हमारा एक स्वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। उधर भी वही जगह यार, हाँ यार वही दो चीज़ है, दो लोगों का वही प्रोजेक्ट है। इधर से पानी जा रहा है भाई, इधर से पानी नहीं डालना आउट होके, इधर से पानी खुद जा रहा है। लेकिन अच्छा लगा, ये भी प्रोजेक्ट अच्छा है। नेक्स्ट आता है हमारा प्री फैब्रिकेशन बिल्डिंग। काफी अच्छी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोलिक फुटपाथ। हाइड्रोलिक भाई, हाइड्रोलिक फुटपाथ है भाई, एक बार वर्क करके दिखाइए यार इसको। कर रहे हैं, ये देखिए हाइड्रोलिक फुटपाथ करके दिखाइए। ये देखिए नीचे गया ना, ये बहुत अच्छा अमेजिंग अमेजिंग। मतलब है कि एक्सीडेंट एक्सीडेंट होते हैं तो फुटपाथ पर से हमारी एम्बुलेंस निकल जाए, बहुत अच्छा। ये हमारा नेक्स्ट आता है, ये क्या है सर, वही जो पीछे है, क्या बोलते हैं सह गए थे करके कुछ नाम था, लेकिन ये ऐसे पूरा था प्रोजेक्ट उधर का। ये हमारे सिविल वाले भाई साहब हैं सब लोग, काफी अच्छा लगा भाई। ये चल के दिखाते हैं, इस गैलरी में कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट गैलरी में घूम के आ गए हम लोग इधर। ये है इलेक्ट्रिकल का हमारे भाई साहब एक प्रोजेक्ट, ये का है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। अच्छा वही है, मतलब कि जैसे दिन उनमें लाइट ऑटोमेटिक बुझ जाती है, रोड पर जलती है, और नाइट को फिर जलने लगती है। भाई एक बार उसके हाथ करके दिखाइए, तो दिखा दीजिएगा, ये जलने लगी ना, बहुत अच्छा। ये भाई का ऑटोमेटिक है और स्मार्ट होम ऑटोमेशन, स्मार्ट होम ऑटोमेशन भाई साहब, ये बहुत वीआईपी चीज है। मतलब अपने फोन से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसको ऑटोमेटिक अपने घर की लाइट, अपने मोबाइल से कौन सी बुझानी है, कौन सा बंद करना है, वो कर सकते हैं। लाइट भी है, फैन भी है, टीवी कूलर जो आप चलाना चाहते हैं, सब कुछ आपका ऑटोमेटिक है। स्मार्ट होम ऑटोमेशन इसका नाम ही है। आप अपने फोन से ब्लूटूथ के माध्यम से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल वाले हैं भाई साहब, गजब इंजीनियरिंग है यार ये। और ये भाई साहब है, ये है टेस्ला कॉयल, ये टेस्ला कॉयल है।
ये भाई साहब हैं, तो क्या है भाई साहब बताएंगे यार इसको? हाँ इसमें कोई बिना कोई वायर के आप ट्रांसफर कर सकते हैं। काफी अच्छा है इनका भी। अभी चालू वर्क नहीं कर रहा है, अभी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, ये क्या है? स्मार्ट डस्टबिन है। हमारे नाजिम भाई इसके हैं मुख्य ग्रुप लीडर, आप ही हैं? अच्छा अच्छा, इसको इसका वर्क करके दिखाएंगे नाजिम भाई साहब। ये देखो ऑन हो रहा है, इसको इसको वर्क करके दिखाएंगे आप? नहीं सुन पा रहे हैं, चलिए ठीक। ये डस्टबिन है, ये सेंसर है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे इसको टच करवाएंगे सेंसर पास, ये ऑटोमेटिक ढक्कन खुलेगा ऐसे, और इसमें आप डस्टबिन डाल कचरा वचरा डाल के बाहर निकल आएगा। ऐसा ही है ना तो भाई साहब? ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट के बारे में हमको थोड़ा बहुत मालूम है, और ये भाई साहब है, इनका भी यही है। और ये क्या है? ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट रूम। अच्छा, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट रूम है, ये लैपटॉप वैपटॉप से कनेक्ट किए हैं अपने। इसके हैं हमारे प्रमोद भाई। ओ देखिए इधर देखिए, आप शर्मा रहे हैं यार, शर्माइए नहीं, आप इंजीनियर है, भावी इंजीनियर है। ये क्या है, सिस्टम क्या है इसका, हम बताएंगे। अच्छा उधर है हमका, फैन वैन चला रहे हैं, ये भाई साहब ये हम लोगों वाला है। वाह, ये रेफ्रिजरेटर है, एलपीजी रेफ्रिजरेटर है। मैं आपको अंदर से इसको दिखाऊंगा, ये है एलपीजी रेफ्रिजरेटर, ये हम लोगों का प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर से ये हमारा प्रेशर पाइप से एलपीजी गैस जा रही है। इधर ये फ्रीजर है, इसका सारा प्रोसेसिंग इसमें है। ये है एलपीजी का सारा सिस्टम इस तरीके से है। इसके ग्रुप लीडर है हमारे कुंदन भाई, मेंबर हम लोग हैं 8-9 लोग हैं। ये रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे आप एलपीजी गैस से जिसमें खाना बनता है उसमें आप पानी को ठंडा कर सकते हैं। ये फ्रिज है, आपको दिखाते हैं, हमने इसको खोलो। ये है, ये फ्रिज है, फ्रिज भी है इसी के साथ में, इसी के साथ हम लोग यहाँ से जाके खाना बन सकता है। इसे ये प्रेशर गेज है, ये इधर से है, ये हमारे अतुल यादव, ये भाई भी ग्रुप मेंबर हैं यहाँ के, ये दोनों लोग तीनों लोग ये मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल वाले। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए। हाँ फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ये क्या है भाई, ये क्या है बताइए थोड़ा। गाड़ी की चाबी। क्या है? गाड़ी की चाबी। हम बताए एग्रीकल्चर ऑटोमेशन, ये तो पानी अगर टूटता है तो अपने आप ये ऑटोमेटिक मोटर ऑन करके ये पानी भर दे खेत में और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सिस्टम ये है, फायर अगर आग लगती है जैसे लगता है लगी जाती है उसके, इस समय जैसे गर्मी और गर्मियों में लग रहा है लग जाती है, तो वो फायर को डिटेक्ट करेगा और अलार्म देगा। और ये है कि आप जोर से मोटर ऑन कर दीजिए और पानी आपके खेत में आ जाएगा तो आग बुझ जाएगी। अच्छा, आग बुझ जाएगी, बहुत अच्छा है, मतलब ऑटोमेटिक है। अगर आपके खेत में पानी सूख रहा है, गेहूं को या धान को पानी की आवश्यकता है, तो ऑटोमेटिक मोटर को चालू करेगा ये सिस्टम और खेत को सींच देगा। बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। कौन है? अच्छा अच्छा, लेकिन ये किसानों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा, एग्रीकल्चर की एक नई क्रांति है, बहुत अच्छा है। और ये किसका है? ये होम ऑटोमेशन है, 3-4 लोग बनाए हैं। और ये है कुछ, ये है इधर, ये क्या है यार? ओ, ये प्रियांशु भाई का है, क्या है? अच्छा चलिए, तो इतना ही, काफी अच्छा लगे हम लोग कॉलेज का। ये कॉलेज का नाम है हंसवाइनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ऐसा है कॉलेज।
तो आज भावी इंजीनियरों की ये प्रदर्शनी है हम लोगों के यहाँ, कितना कितना कौन कौन मनाया है। हाँ दिखाइए दिखाइए, ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ बना रहे रुक जाओ, ये इधर से जैसे हमारी गाड़ी वाड़ी पास कर रही है। गाड़ी कहाँ गई यार इसकी, वैन कहाँ गई, वैन रखो इसको, वीडियो बना रहे। ये देखिए जैसे गाड़ी बाहर से उस साइड से आ रही है, ब्रेकर पे चढ़ी, ब्रेकर ऐसा है ऑटोमेटिक ब्रेकर है कि ये पुश करेगा नीचे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। जैसा आप अभी दिखाए थे हमारे भाई साहब, ये देखिए ये फ्लेक्सीबल है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये हमारे भविष्य में बहुत काम आने वाला है। ये इसके ग्रुप लीडर हैं सचिन यादव जी, ये सुजीत जी हैं, ये हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है ये देखिए, ये क्या है यार भाई साहब, भैया जी ये क्या है आपका, बता रहे हैं स्मार्ट कार है शायद, ऐसा कुछ है, सेंसर वेंसर लगा है। ये हमारा नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन फ्लेक्सी नाइट लैंप, ये कुछ है ऐसे, हमें समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब ये क्या है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहेंगे। और नेक्स्ट आता है ये इसको मैं सीधा करके दिखाना चाहूंगा, ये हमारा रोबोट है, रोबोट इसके लीडर हमारे वो हिमांशु पांडे जी, ये इनका है रोबोट, ये घूमता उमता है, फायर वायर भी करता है इधर से, इधर से इधर पूरा सिस्टम ये है। इसका क्या नाम है हिमांशु, इसका मुंह उड़ घुमा के दिखाओगे, थोड़ा दिखाओ रिकॉर्ड करते हैं। ये देखो ये देखिए उधर से सर घूमने लगा इसका, गजब गजब देख रहे हैं, हाथ हाथ घुमाओ हाथ। और ये उधर से वो बना रहे हैं, बहुत अच्छा हाथ घूम रहा है, ये देखिए ये बहुत नाइस भाई साहब, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा हमें, मूड़ी घुमाया बहुत अच्छा। और ये हमारा क्या है, ये हमारे क्लासरूम के, ये क्या है, क्या है ग्लास कटर विथ वैक्यूम क्लीनर है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है भी, मतलब वैक्यूम को वैक्यूम से कचरा उचरा साफ करती है सब। और हमारा नेक्स्ट आता है ये क्या है, प्रोजेक्ट नेम सोलर चार्जिंग बेस ऑटोमेटिक डे एंड नाइट ऑन ऑफ स्ट्रीट लाइट, ये वाह अमेजिंग है, फिर चलाए तो गजब, ये जो आजकल सड़कों पर लगाया जा रहा है ना, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, वही चीज है, ऑटोमेटिक रात को चलेंगे ऑटोमेटिक बुझ जाएंगे, वही चीज है। इसके ग्रुप लीडर भाई साहब ये लोग हैं, जो वही गार्बेज है, ये हमारे वहाँ वाले सब, ये भाई साहब हमारे वो वाले हैं, क्या बोलते हैं, सीएस वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, कुछ अपना साइंस वाइंस लगाए। और ये हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये चीज, इसका नाम कहाँ है, नाम भी ये भाई साहब नहीं लगाया, हमको लगा है कंप्यूटर साइंस का है कुछ,